Hi, how are you? Hope you're doing fine. This is Khushboo with another question of triangles. This is question number 3 from exercise 7.3, page number 128 from NCERT. This says, two sides AB and BC and median AM of one triangle, ABC. Is triangle ki AB, ye puri BC aur ye AM jo ki median hai. Median ka matlab hua ki jo BM hogi wo MC ke equal hai. मीडियम मीन्स एक ऐसी लाइन जो कि दूसरी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब ये बी एम इक्वल है एमसी के, इस लाइन के इक्वल है. आर इरिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियम पी एम. वो कह रहा है कि इस ट्राइंगल की ये जो साइड्स हैं ये दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, मतलब ये ए बी सिंगल डैश वाली इक्वल है पी क्यू के सिंगल डैश वाली लाइन के, पूरी बी सी पूरी क्यू आर के इक्वल है और ये पी एम ए एम के इक्वल है. ये दोनों आपस में इक्वल, ये दो आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल. अब ए एम इसकी मीडियन है, मतलब बी एम इक्वल है एमसी के. सेम वे से जो पी एन है ये क्यू आर की मीडियन है, मतलब ये जो क्यू एन है ये आपका इक्वल होगा एन आर के. सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले हमें गिवन क्या है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए एम इक्वल है पी एन के और ये जो बी सी है ये इक्वल है क्यू आर के. और हमें पता है कि दो मीडियंस हैं, मीडियन का मतलब बी एम इक्वल है एम सी के और क्यू एन इक्वल है एन आर के. ये हमें गिवन है ऑलरेडी, हमें प्रूव करना है. टू प्रूव जो कि है पार्ट फर्स्ट कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के. अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ए बी एम और पी क्यू एन की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल. इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या है आपके पास? ए बी इक्वल है पी क्यू के, पहली चीज आ गई कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये हमें गिवन है. दूसरी चीज ए एम इक्वल है पी एन के, ए एम पी एन के इक्वल है, ये भी गिवन है. सो ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन. तीसरी चीज बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो बी सी और क्यू आर के हाफ भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि उनके हाफ है बी एम और क्यू एम. तो आपको पता है कि बी सी इक्वल है क्यू आर के, सो इनके हाफ बी सी का हाफ और क्यू आर का हाफ. अगर मैं हाफ कर रही हूं तो बोथ साइड्स पे कर रही हूं जिससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी हमें गिवन है ऑलरेडी. तो अगर मैं इसका हाफ लू तो बी सी का हाफ बी एम भी ले सकते हैं एम सी भी, बट हमारे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लेंगे बी एम. सेम वेज यहां से लेंगे क्यू एन, ये इक्वल हो गया, ये तीन चीजें आ गई, देयरफॉर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो ट्राइंगल ए बी एन हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के बाय ट्रिपल एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. ट्रिपल एस से आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया. अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपी सीटी से हम कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल ए बी एम इक्वल है एंगल पी क्यू एन के. तो एंगल ए बी एम इक्वल है एंगल पी क्यू एन के बाय सी पी सी डी. अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इस पूरे ट्राइंगल. सो सेकेंड पार्ट में टू प्रूव है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के. सो प्रूफ में आप लोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स. तो पहली चीज हम लेंगे कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये हम आपको गिवन है. दूसरा आपके पास है बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है. और आपको पता है कि एंगल ये वाला इस एंगल के इक्वल है जो कि हमने अभी प्रूव करा है. तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, प्रूव्ड अबव. ओके, ऊपर हमने लिखा था ए बी एम पी क्यू एन, इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये लाइन आप कितनी भी एक्सटेंड कर लें एंगल बी उतना ही रहेगा और एंगल क्यू भी उतना ही रहेगा. तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी और पी क्यू एन, तो प्रूव्ड अबव, देयरफॉर ट्राइंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो गए. तो ट्राइंगल ए बी सी कॉम्प्लीमेंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के
बाय। अब इन ट्राइंगल्स में रूल क्या लग रहा है, पहले हमने एक साइड ली, एक एंगल लिया, फिर एक साइड ली, मतलब साइड एंगल साइड। तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो ये हम आपको प्रूव कर रहा था कि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाले ट्राइंगल था कॉन्ग्रुएंट। So this was question number 3 from exercise 7.3 and 2 was the next video for some more questions. Goodbye.